औरो छात्रवृत्ति कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन आर ए असम, बी त्रिपुरा, सी सिक्किम, डी हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर है बी त्रिपुरा। ये ऑरो स्कॉलर उसका इमेज है। एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा रतन लाल नाथ लॉन्च द ऑरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ श्री ऑरोबिंदो सोसाइटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्टेट। ऑरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड्स द मंथली माइक्रो स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू मोटिवेट दैम टूवर्ड्स अचीविंग बेटर लर्निंग आउटकम्स। वंस स्टूडेंट अचीव बेंच मार्क परफॉर्मेंस इन 10 मिनट करिकुलम अलाइन क्विजेस। त्रिपुरा का सीएम है विप्लव कुमार दास, गवर्नर रमेश बैस, कैपिटल अगरतला, लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राज्य के खाद्य और औषधि प्रशासन ने डैश आयु वर्ग के लिए पी फाइजर बायो एनटेक कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है। ऑप्शन आर ए 12 से 15 साल, बी 25 से 32, सी 18 से 22 साल, डी 28 से 35 साल। इसका आंसर है ए 12 से 15 साल। द यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑन May 10, 2021 गिव द इमरजेंसी यूज अप्रूवल टू पी फाइजर बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन फॉर द चिल्ड्रन इन 12 टू 15 एज ग्रुप। द US गवर्नमेंट एम्स एट सेटिंग अप शॉट्स फॉर मैनी बिफोर द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट स्कूल ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा हर घर जल केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो यह कहते हुए कि हर ग्रामीण के घर में नल कनेक्शन है? ऑप्शन आर ए पुदुचेरी, बी चंडीगढ़, सी दिल्ली, डी लद्दाख। इसका आंसर है ए पुदुचेरी। पुदुचेरी हैज बिकम हर घर जल यूनियन टेरिटरी बाय एंश्योरिंग दैट एवरी रूरल होम इन द यूटी हैज टैप वाटर कनेक्शन। विद दिस यूनियन टेरिटरी हैज बिकम द फोर्थ स्टेट यूटी टू प्रोवाइड एश्योर्ड टैप वाटर सप्लाई एवरी रूरल होम अंडर यूनियन गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम जल जीवन मिशन ऑफ तेलंगाना एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन आर ए एस जानकी रमन, बी जोश जे कटूर, सी कामिरिता, डी शंकर घोष। इसका आंसर है बी जोश जे कटूर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड जोश जे कटूर एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रियर टू बिलोंग प्रमोटेड एज ए ईडी। मिस्टर कटूर वॉज हेडिंग बेंगलुरु रीजनल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक एज रीजनल डायरेक्टर फॉर कर्नाटका। हाल ही में पासेक्स एक्सरसाइज भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया? ऑप्शन आर ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी इंडोनेशिया, डी जापान। इसका आंसर है सी इंडोनेशिया। द इंडियन एंड इंडोनेशियन नेवीज कंडक्ट पैसेज एक्सरसाइज इन द सदर्न अरेबियन सी विथ ए फोकस ऑन फर्दर इम्प्रूविंग देयर इंट्रो Interoperability. The exercise was aimed at improving interoperability and understanding between both the friendly navies. हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन आर ए मारिया सारापोवा, बी नाओमी ओसाका, सी सेरेना विलियम्स, डी बारबोरा
स्ट्राइक हुआ। इसका आंसर है ऑप्शन डी, बारबोरा स्ट्राइक हुआ। फॉर्मर डबल्स नंबर वन एंड विंबलडन सिंगल्स सेमीफाइनलिस्ट जैक टेनिस प्लेयर बारबोरा स्ट्राइकोवा हैज अनाउंस्ड हर इम्पेंडिंग रिटायरमेंट। किस राज्य सरकार ने मिशन हौसला शुरू किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी दिल्ली, सी उत्तराखंड, डी त्रिपुरा। इसका आंसर है सी उत्तराखंड। द उत्तराखंड पुलिस हैज लॉन्च्ड ए ड्राइव कॉल्ड मिशन हौसला टू हेल्प पीपल गेट ऑक्सीजन बेड्स एंड प्लाज्मा फॉर COVID-19 पेशेंट्स। द स्टेट पुलिस इज ऑल्सो हेल्पिंग द पब्लिक इन गेटिंग राशन एम्बुलेंस एंड डूइंग क्रीमेशन ऑफ बॉडीज। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैले पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस आर ए शशि थरूर, बी चेतन भगत, सी शकूर रैदर, डी कल्कि कोचलिन। इसका आंसर है सी शकूर रैदर। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैले इज द डेब्यू बुक ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जर्नलिस्ट शकूर रैदर। द बुक इज पब्लिश्ड बाय स्पीकिंग टाइगर। इट टॉक्स अबाउट कश्मीर्स प्रिस्टीन पास्ट, इट ग्रीवियस प्रेजेंट एंड ऑलवेज अनसर्टेन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आर ए 11 में, बी 12 में, सी 13 में, डी 10 में। इसका आंसर है बी 12 में। द थीम वॉज द ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल नर्स डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 12 मई एवरी ईयर। दिस डे इज ऑब्जर्व कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटेंगल। किस राज्य सरकार ने गांवों में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव लॉन्च किया? ऑप्शन आर ए पंजाब, बी हरियाणा, सी दिल्ली, डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है बी हरियाणा। हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर He has said his government had decided to a door-to-door screening drive to detect coronavirus cases at villages. हाल ही में किस देश ने 2045 तक कार्बन न्यूट्रल तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शंस आर ए डेनमार्क, बी जर्मनी, सी न्यूजीलैंड, डी अमेरिका। इसका आंसर है बी जर्मनी। जर्मनी हैज प्रपोज्ड ए मोर एम्बिशियस क्लाइमेट गोल, कटिंग द ओरिजिनल डेडलाइन 5 ईयर शॉर्ट टू रीच नेट जीरो इमिशन बाय 2045। जर्मनीज कैपिटल बर्लिन, जर्मनीज करेंसी यूरो। किस संगठन ने प्राण वायु और स्वास्थ्य वेंटिलेटर विकसित किया है?
ऑप्शंस आर ADRDO, बी इसरो, सी HAL, डी अडानी ग्रुप। इसका आंसर है बी इसरो। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हैज डेवलप्ड 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर्स एंड ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर एट ए टाइम व्हेन अ शॉर्टेज ऑफ दिस क्रिटिकल मैकेनिकल मेडिकल इक्विपमेंट रिजल्टेड इन द डेथ्स ऑफ मैनी COVID-19 पेशेंट्स अक्रॉस द कंट्री। नीति आयोग और किस संगठन ने कनेक्टेड कॉमर्स डिजिटली समावेशी भारत के लिए एक रोड मैप शीर्षक बनाने के लिए रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शंस आर ए पेटीएम, बी गूगल पे, सी मास्टर कार्ड, डी फोन पे। इसका आंसर है सी मास्टर कार्ड। नीति आयोग हैज रिलीज्ड ए रिपोर्ट टाइटल्ड कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग ए रोड मैप फॉर ए डिजिटली इंक्लूसिव भारत। नीति आयोग हैज रिलीज्ड द रिपोर्ट इन कोलैबोरेशन विथ मास्टर कार्ड। के आर गौरी अम्मा, जिनका 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस राज्य के पहले राजस्व मंत्री थे? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी केरला, डी उड़ीसा। इसका आंसर है सी केरला। के आर गौरी अम्मा वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन एंड द फर्स्ट रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ केरला स्टेट। She was a Marxist revolutionary advocate, author and diplomat. She was also one of the founding leaders of the communist movement in Kerala. She headed the Gyanpith Samarakshana Samiti, a political party based in Kerala. ये उनका इमेज है। फिक्की महिला संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आर ए कृतिका जोशी, बी उज्ज्वला सिंघानिया, सी श्रेष्ठा गर्ग, डी अंशुला कांत। इसका आंसर है बी उज्ज्वला सिंघानिया। उज्ज्वला सिंघानिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, द ओल्डेस्ट वुमेन लेड एंड वुमेन सेंट्रिक बिजनेस चैम्बर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। हाल ही में किस राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है? ऑप्शंस आर ए दिल्ली, बी यूपी, सी असम, डी राजस्थान। इसका आंसर है सी असम। हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव ए रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम विद द रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोइंग एट द क्रक्स। असम इज प्रोन टू सेवरल फ्लड्स एंड इरोजन एवरी ईयर।